Hey guys, welcome to my new vlog. So this is the third vlog of the channel. ये तीसरा व्लॉग है इस चैनल का और आप सभी का वेलकम करता हूँ इस व्लॉग में. तो ये दरअसल ट्रैवलिंग पूरा व्लॉग रहेगा. इस व्लॉग के ज़रिए हम लोग कवर करेंगे जो जर्नी है कानपुर टू दिल्ली की. और ये पूरा व्लॉग आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है. सो अभी फ़िलहाल अगर मैं व्लॉग को शुरू करते हैं जल्दी से, तो अभी फ़िलहाल मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से जो ट्रेन है वो अभी आएगी. ओके, सो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए यहाँ का ट्रेन वगैरह, ये सब देख सकते हो आप लोग, इस टाइप का कुछ है. और फ़िलहाल कुछ ही देर बाकी है ट्रेन आने में. सो ट्रेन आने वाली है बहुत ही जल्द. सो मैं आपको ट्रेन का थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, कौन सी ट्रेन है, क्या है और कैसे आती है. ठीक है, सो ये देखिए आ चुकी है हमारी ट्रेन. ठीक है, और ये कौन सी ट्रेन है, क्या है, सब मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में. ये पहले आप देख लीजिए इस तरह से अभी आ गई है और अभी जा रहे हैं इस पर बैठने के लिए. सो अपनी सीट देख लेते हैं, जल्दी से बैठते हैं जा कर के, फिर आगे की आपको बात करते हैं. ओके, सो ये देख सकते हो आप लोग अंदर का लुक वाइज देख सकते हो ट्रेन का इस तरह से कुछ है और मैं अभी बैठ चुका हूँ. ओके, सो अभी ये ट्रेन चल दी है. ओके, तो बाहर के अगर मैं आपको लुक दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह का आता है ये आप देख सकते हो. और ये जो ट्रेन है ये है गोमती एक्सप्रेस, जो कि कानपुर सेंट्रल से न्यू दिल्ली की. वैसे तो ये लखनऊ जंक्शन से न्यू दिल्ली तक चलती है, तो मैं कानपुर से बैठा था, अब ये 3 o'clock के आसपास दिल्ली में पहुँचाएगी. ठीक है, और अभी फ़िलहाल ये कोई स्टेशन आया है, इसके कुछ वही 10-12 के आसपास हॉल्ट्स हैं जहाँ पर ये रुकती है. ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते होगे. और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि जो आवाज़ थी वहाँ पर बहुत कस के आ रही थी, तेज़ आ रही थी, तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पाया वहाँ पर, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है. ठीक है ना, तो आप इस तरह से देख सकते हो. वैसे काफ़ी अच्छी चली थी ट्रेन और काफ़ी सही चली थी, स्पीड थी खूब अच्छी तरह से और एट ए टाइम पहुँचाया था. और फ़िलहाल ये कोई आई थिंक गाज़ियाबाद स्टेशन है, मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी कराया क्योंकि क्यों बेफालतू में व्लॉग बनाना है ज़्यादा, इसलिए मैंने जो भी मेन पॉइंट्स थे वो आपको मैंने दिखाए हैं. ओके, तो फ़िलहाल अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर गाज़ियाबाद स्टेशन पर. ओके, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर निकलेंगे इस स्टेशन से. ओके, ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी, यहाँ का लेग स्पेस देखिए, यहाँ पे पैर रखने के लिए काफ़ी सही बनाया रखा है यहाँ पर. और फिलहाल बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं. ओके, तो अभी मैं आपसे बोलता हूँ थोड़ी देर में, यहाँ के दिखाते हैं अभी. तो ये देख सकते हो आप लोग, दिल्ली आने वाला है तो यहाँ की जो यमुना नदी है वो आप देख लीजिए. ये यमुना नदी का ब्रिज है जिस पर कि जो ट्रेन है वो क्रॉस हो रही है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर. ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ से निकलते हुए, बढ़िया. उसके बाद में अभी फ़िलहाल हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, अब निकलने का यहाँ से टाइम हो गया, ट्रेन से निकलते हैं जल्दी से. और ये मैं पहुँच चुका हूँ फिलहाल न्यू दिल्ली स्टेशन पर. ओके, ये ट्रेन है आप देख सकते होगे, दिखाई तो है ही वैसे भी. और ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है न्यू दिल्ली स्टेशन, और ये है पूरी स्टेशन इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ी स्टेशन, प्लेटफॉर्म भी काफ़ी हैं वैसे. और फ़िलहाल अभी जहाँ जाना है मुझे वहाँ निकलते हैं बस का वेट करते हुए, ये देख सकते हो. और बस मैंने आपके लिए कुछ टाइम लैप्स भी अभी बना रखा है, तो वो भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ. यहाँ की रोडें वगैरह वहाँ भी अच्छी लगी, तो मैंने कहा टाइम लैप्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये आप देखना अभी टाइम लैप्स जो है वो स्टार्ट करता हूँ मैं अभी. ओके,
शाम की सीन जहाँ पे मैं गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, तो ये आप देख सकते होगे। और आई होप आज का व्लॉग जो है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।